गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका पहला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, तो जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो आपको पढ़नी है। कुछ बता देती हूँ मैं, जैसे कि टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, और है मलेरिया। जो भी इन्फेक्शन से डिजीज़ फैलती हैं वो सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ में आएंगी। इम्पॉर्टेंट है ये भी, एलिफेंटियसिस को एक डिजीज़, और मतलब इसका नाम एक और है फाइलेरिया, और इसको हिंदी में कहते हैं हाथी पांव, जो बॉचरेरिया के थ्रू, बॉचरेरिया एक प्रोटोजोन है उसके थ्रू फैलता है। निमोनिया, तो ये कुछ डिजीज़ हैं, इनके बारे में तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से। एमिगोसिस, स्वाइन फ्लू, ओके, इनके बारे में पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है असंक्रामक रोग। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ओके, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती हैं, तो ऐसी भी हैं, पूछी जो जाती हैं, डायबिटीज है, कैंसर पूछी जाती हैं, तो इनके ऐसी डिजीज के बारे में लिख लेना, ठीक है, जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती हैं। एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई सेल ऐसी डैमेज हो रही है या कुछ उसमें दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ऐसी डिजीज कॉज हो रही है, उनको असंक्रामक रोग में आएंगे, असंक्रामक डिजीज में आएंगे। ये तो रही डिजीज की बात, ठीक। इसके बाद इन, ये अगर हमारी बॉडी को ये डिजीजेस हो जाती हैं तो उन पर वर्क कौन करेगा, तो इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में है इम्यून सिस्टम। पहला संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग, तीसरा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में आप लोगों को एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और इननेट इम्यून सिस्टम दोनों देख लेना, और इसके साथ साथ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है एंटीजन और एंटीबॉडी। मेन जो है वो एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी का ही आपको डायग्राम देखना है, और एंटीबॉडी में ही आएंगे आपके टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये दोनों देखने, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है वैक्सीनेशन, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अच्छे से इसके बारे में लिख सकते हो वैक्सीनेशन। इसके बाद चैप्टर सेवन कौन सा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसके बारे में, इसमें क्या क्या है, तो इसकी चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं वो ह्यूमन के लिए कैसे यूजफुल है, या उसने, माइक्रोब्स ने, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं ने क्या क्या ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिससे ह्यूमंस के लिए वो अच्छे हैं, तो इसमें तुम्हारी आ जाती हैं चीज़ें। इसके बारे में भी पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूछा जाता है, और इसमें पढ़ना है आपको बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। इसमें पढ़ना है आपको मेडिसिन में, जैसे कि मेडिसिन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा एंटीबायोटिक बनाना, तो कुछ एंटीबायोटिक के नाम याद कर लेना, ठीक है, और किसने खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इसके बारे में अच्छे से मतलब पढ़ लेना। और है इसमें इंडस्ट्रियल पर्पज़ पर, जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ पर जो माइक्रोब्स हैं उनसे क्या क्या बनता है, तो जैसे कि डबल रोटी वगैरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं इंडस्ट्रियल पर। और इसमें आ जाएगा आपका, इतना ही देख लेना, इसमें एंटीबायोटिक भी आ गया, मेडिसिन, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है,
और कुछ केमिकल्स पर देख लेना, केमिकल्स बनाने में। ठीक, ये इतने हैं। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। हाँ, इसमें एक रह गया, बायोगैस। बायोगैस और देख लेना इसमें। और एक क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ये रहा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर का ही नाम है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाएगा। उसके अंदर की छोटी छोटी जो हेडिंग आपको मैंने बताई है, एक्चुअली में यही लॉन्ग में पूछ ली जाती है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। सेकेंड जो है वो है बाहित मल, बाहित मल उपचार, ये अच्छे से पढ़ लेना। इसमें दो उपचार है, एक तो प्राथमिक है और दूसरा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक उपचार और दूसरा है द्वितीयक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इसको, ये बस इतने ही क्वेश्चन है 6 और 7 में, बस इतना ही पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही बहुत कुछ फंस जाएगा आप अगर आपने इतना पढ़ लिया तो। थैंक यू।